दोस्त, नाम बहुत छोटा है अनुजधर, लेकिन काम बहुत बड़ा है। सर ये मुझे बताइए कि ये जो मोहिम आप लेके चले हैं, एक मकसद क्या है? नहीं, मकसद कुछ नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि कोई डिसाइड नहीं करता, ये अपने आप चीज़ें होती हैं। मैं सारे देश में सब जगह जाता हूँ करके, उड़ीसा में आज तक नहीं हो पाया। पता नहीं क्या किस्मत खराब है कि जो नेताजी का जन्म स्थान है वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। 1945 के बाद एक्शन हुआ कि नेताजी की डेथ को लेकर के तीन थ्योरियाँ हैं। लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे नेताजी प्लेन क्रैश मर गए थे, एज इफ होता, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था तो वो यहाँ पे गोप्रो कैमरा लेके बैठा हुआ था। आप तो मुझे पूछ रहे हैं जिसके पर मैंने 900 बनने की किताब लिखी है, तो इतना मोटा किताब लिखा है 900 बनने का कैलेंडर करके। तो सर क्या ये बात सच है कि वो पूरी भी आने का उनका प्लान था? कि जब उनको शिफ्ट करने की बात हुई थी तो उनको बोला था कि उनको वहाँ शिफ्ट कर, किसने कहा नहीं वहाँ मुझे लोग पहुँचा। सर नेताजी के जो कैंपेन्स है, गांधी जी को ब्रांड को खतरा, ये बेसिकली सारी लड़ाई की जड़ ये है कि जो गांधी ब्रांड है वो यूरोप अमेरिका में चलता है, नेताजी का नाम यूरोप अमेरिका में नहीं चलता, क्योंकि वो भारत की लड़ाई कर रहा था, वो विश्व शांति की बात नहीं कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो देश है ये बर्बाद हो गया था हिंसा के चक्कर में पहले। अभी तो सच बहुत ज़्यादा कड़वा सच है, अभी तो कड़वा सच बोलूंगा तो आपको यूट्यूब में चैनल बंद हो जाएगा। तो क्या मेल में या फिर फोन कॉल में कोई थ्रेटनिंग मेल या मैसेज? तो ऐसा नहीं, कितना आसान नहीं, मेरे को धमकी देना, मेरे को जानने वाले बहुत नेता बहुत लोग हैं। पद्मश्री मुझे, अगर मैंने रिसर्च की महात्मा गांधी भी क्यों थी तो मुझे मिल चुका हूँ।